दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद में यह अधिकार मिला हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में आंदोलन कर सकता है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कोई भी संगठन जब आंदोलन करती है तो फिर पूरे देश को बंद करने का ऐलान कर देती है। हाल में ही किसान आंदोलन ने तूल पकड़ा, और अभी भी तो किसान आंदोलन जोरों पर है, और पूरी आंदोलन के कारण पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया गया। देखिए दोस्तों, हमारे देश में सभी नागरिक को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार मिला हुआ है, और अगर हमारे देश में भारत के किसी भी नागरिक के साथ अगर उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ भेदभाव होता है तो सीधे हाईकोर्ट अप्रोच कर सकता है, यहाँ तक कि संविधान के अनुसार वह सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटा सकता है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में ही एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में ले लें, आपकी जो मर्जी हो आप करें। आप कतई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, आप अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत भारत के हर नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार मिला हुआ है, और कोई भी नागरिक अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकता है। लेकिन इसी आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि आप अपनी बातों को आंदोलन के जरिए सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, आप कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि समाज देश को क्षति हो, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचे। और एक बात और दोस्तों, अगर आप किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना करते हैं तो यह कतई नहीं माना जाएगा कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आप देश की आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है और अगर वह ऐसा कोई फैसला लेती है जिससे कि समाज को देश को क्षति हो, तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आप अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, तो कतई यह नहीं माना जाएगा कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं और आप देशद्रोही हो गए। वहीं संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) के तहत सभी को यह अधिकार मिला हुआ है कि आप कहीं भी जमा होकर सरकार के खिलाफ आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके आलोचना करने से किसी भी तरह का हिंसा ना बढ़ के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, समाज की देश की क्षति ना पहुँचे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।